स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट न्यू चैप्टर कंजेक्शंस। ओके क्लास फोर्थ, आज चलते हैं कंजेक्शंस की ओर। कंजेक्शन पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। कंजेक्शंस का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स। ये मतलब दोनों ही सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कंजेक्शंस एंड जॉइनिंग वर्ड्स, डैट कनेक्टेड वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर, जो कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करता है एक साथ। ठीक है, जैसे कि कुछ कंजेक्शंस होते हैं जिनमें एंड लगा करके कुछ बट होते हैं, जैसे कि एंड, बट, सिंस, एज, व्हाइल, व्हेन, अनलेस, इफ यू, इफ, येट, ऑल्दो, इस तरीके के कुछ कंजेक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड और या सेंटेंस को ज्वाइन करने में। ठीक है, तो क्या होगा अभी फिलहाल, अभी फिलहाल क्या होगा? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस अभी कुछ और है और जिनका अब हम प्रयोग करना सिखाएंगे आपको कि एज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो वी यूज एज टू ज्वाइन सेंटेंसेस दैट गिव्स अ रीजन और आंसर क्वेश्चन, जो कि एक रीजन या आंसर दिया जाता है क्वेश्चन का। जैसे वाई का आंसर मिलेगा, एज बनेगा। आई वॉज अर्ली, आई वेटेड आउटसाइड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमें इन दोनों सेंटेंस को एक करना है, तो हम क्या करेंगे? एज आई वॉज अर्ली आई वेटेड आउटसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि आज मैं जल्दी था तो आज मुझे इंतजार करना पड़ा बिल्डिंग के बाहर। ठीक है, ओके। सिंस वी यूज सिंस टू ज्वाइन सेंटेंसेस दैट गिव अ रीजन और अ आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ऊपर था कि सिंस का भी सेंस वही होता है और वाई में ही आता है, वाई का ही इसका आएगा आंसर देने के लिए, कोई रीजन देने के लिए सिंस का यूज करते हैं। आई वॉज ऑलरेडी अवीक, आई वेंट फॉर अ वॉक। तो क्या है, सिंस आई वॉज ऑलरेडी अवीक आई वेंट फॉर अ वॉक। ओके, वाइल का यूज कब करते हैं? वाइल का यूज करते हैं जब कोई एक्शन कम्प्लीटली खत्म हो चुका होता है, डन हो चुका होता है। ठीक है, इट इज यूज व्हेन टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब भी कोई दो चीजें एक साथ एक ही टाइम पर हो रही हो तब हम वाइल का यूज करते हैं। जैसे आई मेट माई अंकल, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल। तो क्या है कि यहाँ पर वो अपने अंकल से मिला और जब वो जा रहा था स्कूल जा रहा था तब, तो यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही, तो जब के लिए ये मुझे ये लगाना पड़ेगा वॉइल, जबकि वो स्कूल जा रहा था तो वो अंकल से मिला। यहाँ दो चीजें, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, आई मेट माई अंकल, वॉइल आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल। ओके, अब इसके बाद वैन, वैन का यूज करेंगे। वैन टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम और द पीरियड ऑफ टाइम वैन एन एक्शन इज डन। क्या है, वैन का यूज क्या करते हैं? जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है या पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होती है, जब एक एक्शन खत्म हो चुका होता है, मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा जब को वो एक्शन कम्प्लीटली खत्म हुआ और डन हुआ हो। आई लव्ड इंग्लिश, आई वॉज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तब मुझे बहुत पसंद थी इंग्लिश, तो क्या होगा, आई लव्ड इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से अनलेस एंड इफ का प्रयोग सीखते हैं। वी यूज अनलेस और इफ टू ज्वाइन सेंटेंस व्हेन वन ऑफ द सेंटेंस इज अ कंडीशन, हाउएवर व्हेन वी यूज अनलेस द कंडीशन आर अपोजिट। अनलेस और इफ का यूज तब करते हैं जबकि कंडीशन लगी होती है, कोई सेंटेंस में कोई एक कंडीशन होती है और दूसरा क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। आई कैन कम फ्रंट फर्स्ट इन क्लास, आई स्टडी हार्ड। तो क्या है, आई कैन फर्स्ट इन क्लास स्टडी हार्ड, तो आई कैन फर्स्ट इन क्लास अनलेस आई स्टडी हार्ड। ओके, या इफ आई स्टडी हार्ड, दोनों का मीनिंग एक होता है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या है, लेट मी येट टू ज्वाइन, येट का उपयोग कैसे करते हैं? ज्वाइनिंग द शो कंट्रास्ट। ओके, जैसे आई एट एन एंटायर बॉल ऑफ पास्ता एट आई वॉज हंग्री। हमने पूरा एक पास्ते का बाउल पूरा खत्म कर दिया, खा लिया, क्योंकि मैं बहुत हंग्री था। ठीक है, इस तरीके से दो, ऑल्दो का यूज कब करते हैं?
कंट्रास्ट शो करने के लिए इट यूजली कम्स इन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ये हमेशा सेंटेंस के पहले यूज होता है. आई एट एन एंटायर बाउल ऑफ पास्ता, आई वॉज हंग्री. तो यहाँ ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि. आई एट एन एंटायर बाउल ऑफ पास्ता, आई वॉज हंग्री. ओके चलो फिर अभी एक्टिविटी वन करनी है आपको, खुद से करनी है और ये जितने यूजेस बताए इनको खुद अपनी बुक से रीड करो, पढ़ो, समझो और उसके बाद एक्टिविटी वन करके मेरे को सेंड करो. गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.